हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। तो भाई बहुत बड़ा गुड न्यूज़, बहुत बड़ी खुशखबरी अभी मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम जो है ना उसका टेंशन तुम भूल जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। और सिर्फ रिलैक्स नहीं हो जाओगे, अपने मार्क्स जो है ना वो यहाँ से वहां ले जाओगे, मतलब इंक्रीज हो जाएंगे तुम्हारे मार्क्स। ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो जाए, यहां तक कि तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, और सबसे बड़ी बात ये कि तुम लोग फेल वेल का जो टेंशन है ना उससे बाहर हो जाओ। तो भाई थंबनेल टाइटल तुम देख चुके हो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.5 के स्पीड से देख लो, आई डोंट केयर, लेकिन पूरा एंड तक देखना। चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहां पर मैं तुम लोगों को लगातार गाइड कर रहा हूं बहुत सारे चीजों के लिए, स्पेशली आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए और उसकी तैयारियों के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, अभी तुम देख सकते हो बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स रूल। यहां पे बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स रूल के बारे में मैं तुमको बताने वाला हूं, जो शायद तुम लोगों को पता हो लेकिन शायद तुम लोग इसमें कंफ्यूज्ड भी हो, या बहुतों को तो पता ही नहीं होगा। सीबीएसई ने देखो लागू किया हुआ है बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स रूल, जिसका फायदा क्या होता है, सीधा सीधा तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाते हैं और फेल सिस्टम जो है वो एकदम गायब हो जाता है। अब इसको जल्दी से समझते हैं ये चीजें क्या है क्या नहीं है, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले मैं चाहता हूं यार प्लीज वीडियो को यहीं लाइक करो, पॉज कर दो वीडियो को, लाइक करो। चैनल पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और यस प्लेलिस्ट में होते हुए जाना, ताकि वहां पे क्लास 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस के लिए बहुत सारी चीजें मैं लेकर आ रहा हूं, सो गो फॉर दैट थिंग, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या है, देखो भाई तुम लोग बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हो और अभी एग्जाम फॉर्म्स भरा रहे हैं, अगर तुम्हारा कोई चीज मिस हो गया है, अगर अभी भी तुम्हारा एग्जाम फॉर्म नहीं भराया है, तो अभी भी तुम एक चीज कर सकते हो। क्या चीज कर सकते हो, पहले मुझे बताओ तुम्हारे कितने टोटल सब्जेक्ट्स हैं। अगर सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आई थिंक तुम्हें जल्दी से एक्शन लेना चाहिए, अपने क्लास टीचर को कंसल्ट करो और अपना 6th सब्जेक्ट जो है वो एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो रख लो। अब एडिशनल सब्जेक्ट क्या होता है, देखो पहले मैं शुरू से समझाता हूं। यहां पे तुम्हारे अभी क्या होंगे, 5 मेन सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें से 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अभी यहां पे लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या है, लैंग्वेज सब्जेक्ट नंबर 1 है हिंदी, लैंग्वेज सब्जेक्ट नंबर 2 है यहां पे इंग्लिश। अब बाकी जो 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो तुमको पता ही है भाई, साइंस, मैथमेटिक्स एंड SST यानी कि सोशल स्टडीज। अब ये 5 सब्जेक्ट जिसके हैं तो वो तो भाई इस बेस्ट 5 सब्जेक्ट रूल का फायदा नहीं उठा पाएगा, लेकिन अगर तुम इस बेस्ट 5 सब्जेक्ट रूल का फायदा उठाना चाहते हो तो जल्दी से जाकर के रख लो सब्जेक्ट नंबर 6। अब ये सब्जेक्ट नंबर 6 क्या है, देखो भाई सीबीएसई ने प्रोवाइड कराया हुआ है, स्किल सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तुम IT रख सकते हो, ठीक है। देखो मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूं, तुम IT रख सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तुम कंप्यूटर एप्लीकेशन रख सकते हो। अब इसका फायदा क्या होता है, बात समझो, बात यह है कि भाई ये 2 सब्जेक्ट जो है हिंदी और इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ करके बाद बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं इसका तुम बेनिफिट उठा सकते हो अपने रिजल्ट कैलकुलेशन में, मतलब जब तुम बोर्ड एग्जाम दे दोगे, जब अपने मार्क्स कैलकुलेट करोगे, तो अगर ये तुमने 6th सब्जेक्ट रखा है तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। कैसे फायदा हो जाएगा समझ जाओ बात, देखो मान लो तुम साइंस में, मैथ्स में, SST में, ठीक है। अब इसमें से मान लो कि तुम्हारे मैथ्स में आ जाते हैं कम नंबर, सपोज तुम्हारे साइंस में आए 70, ठीक है, मैथ्स में आए 60, सोशल स्टडीज में आए 80, ठीक है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन या IT अगर तुमने रखा हुआ है और इसमें आ गया तुम्हारा बहुत ज्यादा मार्क्स, ठीक है। अब यहां पर अगर तुम्हारा आ जाता है 80, समझ जाओ, तो 80 आ गया तो मतलब जो सबसे कम वाला मार्क्स सब्जेक्ट है वो इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। सबसे कम वाला मतलब ये वाला नंबर इधर चला जाएगा और ये वाला नंबर इधर चला जाएगा, मतलब जब तुम अपना परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, ठीक है, देखो सीबीएसई के मार्कशीट में पास फेल लिखा रहता है, वहां परसेंटेज नहीं होता है, लेकिन अगर तुम अपना परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो तुमको किन किन सब्जेक्ट्स को जोड़ना होगा ध्यान से देखना। तो फिर तुमको जोड़ना होगा हिंदी को जोड़ना है क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, कंपलसरी है, इसको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद में इसको ऐड करना है जो सबसे कम है उसको छोड़ देना है, मतलब यहां देखो हमारा 60 था तो हमने इसको जोड़ा नहीं, हमने इसको जोड़ा और फिर इसको जोड़ा, मतलब जो सबसे कम मार्क्स है वो नीचे चला जाता है और एडिशनल सब्जेक्ट ऊपर आ जाता है। अब इसके बहुत फायदे हैं, इस बार का अगर मैं बात करूं तो मेरे नजर में सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अरे नंबर कम छोड़ो, मतलब वो एक सब्जेक्ट में उनके मार्क्स मतलब नियरली फेल थे, वो सिर्फ अपने 6 सब्जेक्ट के बेसिस पे उनके मार्क्स जो है वो सीधा हाइक कर गए। मतलब सोचो कि अगर कोई बच्चा यहां पर जस्ट इमेजिन कि 35-40 नंबर लाता है तो उसके कितने फायदे हो गए, और यहां मान लेते हैं कि इतना नहीं भी है, अगर मान लेते हैं 70 भी है, अब ये नंबर यहां चला गया और ये नंबर मेन सब्जेक्ट में जुड़ गया तो कितना फायदा, मतलब कहां 35 और कहां 70, सीधा 35 नंबर ऊपर उड़ गया कि नहीं उड़ गया। तो अगर तुमने भाई अपना 6 सब्जेक्ट नहीं रखा है और अगर अभी भी तुम्हारे स्कूल में रखा, तुम रखवा सकते हो रिक्वेस्ट करके, सो गो फॉर दिस,
एकदम मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत फायदा है। इवन फेल वाले में भी तुमको बहुत फायदा हो जाता है कि कोई बच्चा फेल हो जाता है तो भी उसका नंबर नीचे वाला एडिशनल सब्जेक्ट ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला नीचे चले जाता है, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सो गो फॉर दिस थिंग, ठीक है। और साथ ही साथ में देखो, मैं अभी तुम लोगों के लिए बहुत सारे और चीज़ें बना रहा हूँ, तो आई होप कि तुमको इस पूरे चीज़ को समझने में मैंने हेल्प किया होगा, ठीक है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि तुम्हारे मार्क्स कैसे कैसे बन सकते हैं। देखो, स्ट्रैटेजी बनाओ, लेकिन साइड से कुछ और चीज़ों को जानना या समझना भी बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना, एंड येस डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।